मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगरपालिका परिषद द्वारा मंगलवार को त्योदा रोड स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में सामूहिक विवाह एवं निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 156 जोड़े थे। इनमें से 138 जोड़ों का विवाह पंडित केशव शास्त्री के द्वारा विधि विधान से कराया गया। वहीं 18 जोड़ों का निकाह शहर काजी बारी बाही के द्वारा करवाया गया। वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली 49,000 की राशि के प्रमाण पत्र कार्यक्रम में मौजूद मंचासीन अतिथियों के द्वारा वर वधु को भेंट किए गए। मंगलवार को शहर की सड़कों से 138 दुल्हों की सामूहिक बारात लाल परेड मैदान से शुरू हुई, जो जय स्तंभ से होते हुए त्योदा रोड स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंची। इस सामूहिक बारात में वर वधु के परिजनों के अलावा पूर्व विधायक निशंक जैन, हरिसिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, समाज सेवी कांति भाई शाह, राजेश तिवारी, देवेंद्र रघुवंशी, प्रहलाद सिंह रघुवंशी सहित शहर के अनेक सामाजिक संगठन के सदस्य शामिल हुए। बारात का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विदिशा गंज बासुदा से आशीष सहले की रिपोर्ट। और मेरा एक अनुरोध पंडित जी से है, जब पंडित जी आप वचन करवाएंगे और एक मौलवी साहब से कि जब वो निकाह कराएंगे तो एक वचन आप दूल्हा से लें और एक वचन दुल्हन से लें। दूल्हा से वचन लें कि वो नशा नहीं करेगा और दुल्हन से वचन लें कि यदि ये नशा करके आएगा तो आप 3 दिन तक रोटी नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कार्य किसी एक के करने से नहीं होता। और मार्गदर्शन क्या, हम तो सब ही वरिष्ठ हैं, तो मार्गदर्शन नहीं, हम आप सबका सहयोग लेकर चलते हैं। और हमारे बीच पूर्व विधायक निशंक जी जैन आ गए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बैठिए आज तक। ये जो आज निकाह और शादियां जो ये मंच कराने जा रहा है, मैं अपनी तरफ से और इन जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनके भरपूर शुभ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर वधु को आशीर्वाद दिया। देखिए, आज मैं सबसे ज्यादा यदि किसी कोई बधाई का हकदार है तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा 25,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान में दिए जाते थे, और पैसे नहीं दिए जाते थे, सामान दिया जाता था। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने उस शादी को 51,000 रुपए किए राशि को, और कहा कि खरीदी में जो भाजपाई नेता दलाली करते थे वो नहीं चलेगा, वो पैसा 48,000 रुपए बच्चियों के सीधे खाते में जाएगा। और उसी के तहत आज पूरे प्रदेश में बच्चियों के खाते में 48,000 रुपए जा रहा है। आज जिन बच्चियों की शादी हो रही हो उनको बधाई, जिन बच्चों की शादी हो रही हो उनको बधाई, उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और वह नशे से दूर रहे बच्चे, यही मेरी शुभकामना है, यही हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की शुभकामना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।